नेक्स्ट टॉपिक है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पे। ये टॉपिक हर यूनिट में आएगा भाई, 400 मिनट में आएगा, अलग तरीके से पेश किया जाएगा भाई। यहाँ पे निकालेंगे फोर्स के टर्म में, नेक्स्ट में निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में, नेक्स्ट में निकाला जाएगा कैपेसिटेंस की टर्म में भी, ठीक है। हर एक का अलग तरह का मीनिंग होगा। डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट, डाइलेक्ट्रिक क्या होते हैं भाई ये बताएंगे आपको 1D के अंदर भी। डाइलेक्ट्रिक एक्चुअली किसको बोलते हैं, इंसुलेटर को बोलते हैं। किसको बोलते हैं, इंसुलेटर्स को। उसकी प्रॉपर्टीज बताएंगे आगे, जब थोड़ा आउट ऑफ पेपर लोगे ना समझ में आएगा चीज़ें के हैं। अभी सिर्फ कांस्टेंट है, ठीक है भाई। ये कांस्टेंट क्या है क्लास, ये रेशो है, इसका एक नाम और भी है अभी, और रिलेटिव इलेक्ट्रिक परमिटिविटी, रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। देखो कुछ नहीं है अभी, कांस्टेंट के है ये, कांस्टेंट वो वाला के नहीं है जो आप सोच रहे हो। इसको कैसे लिखते हैं, ठीक है। ये कांस्टेंट रेशो है अभी किसका, फोर्स बिटवीन टू चार्ज इन एयर बाय फोर्स बिटवीन द सेम चार्ज इन मीडियम पे। मीडियम के लिए Fm डाल लें, m4 मीडियम से, इन चार्जों की रेशो है अभी, सॉरी इन फोर्सेज की रेशो है। चार्ज लिए, हवा में फोर्स निकाला, उन्हीं चार्ज को पकड़ के ले गए मीडियम में, ले गए उनके बीच में मीडियम डाल दिया, जो रेशो आएगा उसको क्या नाम दिया गया है, डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट्स भी, सही है। देख लीजिएगा, इट इज़ द रेशो ऑफ फोर्स बिटवीन टू चार्जेज having air or vacuum to force between the same charges placed in medium at equal distance। इसका मीनिंग क्या है, जो चार्जों के डिस्टेंस एयर में थी वही डिस्टेंस कहाँ पे होनी चाहिए, मीडियम पे होनी चाहिए, वही चार्ज होने चाहिए सेम मैग्नीट्यूड के। जो रेशो होगा फोर्स का भी, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, डायलैक्ट्रिक कॉन्स्टेंट। अगर हम एयर की बात करते हैं, इन एयर और वैक्यूम भी, तो फोर्स कितना होता था भाई, F0 ले लेना उसके लिए, F0 सिंपल टर्म में वैल्यू कितना था, 1/4πε0 था एयर और वैक्यूम्स के लिए, Q1 Q2 r2। अगर वेक्टर फॉर्म ना दिखाएं तो सिंपल लिखिएगा इसको, इधर से डाल दीजिए यूनिट वेक्टर पे, कर चुके हैं, कर लोगे। दूसरा, इन मीडियम की बात करें, मीडियम के लिए Fm डाल लेते हैं, m4 मीडियम, 1/4πε0 नोट नहीं लिखते मीडियम के लिए, या इसको एब्सेंट m लिख सकते हो, कोई बुक में लिखा होता है, हम सिंपल छोड़ रहे हैं। अगर जीरो ना नहीं लगी हुई तो किसके लिए, फॉर मीडियम पे, कर लोगे। इज चार तो वही है, Q1 Q2 डिस्टेंस भी वही है, हो जाएगा। तो K का वैल्यू कितना होगा भाई, पुट कर दें वैल्यू, K = F0 कितना भाई, 1/4πε0 Q1 Q2 r2 डिवाइड बाई Fm कितना है, ये हो गया भाई क्लास, कितना है, 1/4πε0 Q1 Q2 r2 कट रहा है कुछ चीज़ें, क्या बचेगा यहाँ पे, सिर्फ क्या बचा भाई, ये कट गया 4π से 4π Q1 सारा कट गया, ये बच गया, ये बचा रही है, बचा भाई यहाँ पे बचा हुआ 1/ε0 और यहाँ बचा हुआ 1/ε0, कितना आंसर होगा, K = εε0। यस सर नो, देखो मैंने इसको एक नाम लिखी लिखा हुआ है, रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, यानी दो इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी के बीच का रेशो भी है ये। ये किसके लिए था, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ मीडियम, ये किसके लिए था, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस और वैक्यूम्स में। इसको एक और वर्ड से लिखते हैं, एप्साइलोन r, r4
रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी में, सुपर पोजिशन प्रिंसिपल, सुपर पोजिशन प्रिंसिपल लिख सकते हो ब्रैकेट में, फोर्स ड्यू टू एंड चार्ज भी, किसके लिए कर रहे हैं सारा काम, फोर्स ड्यू टू एंड चार्जेस, अगर एन चार्जेस हो मोर देन टू तो क्या आंसर निकालेंगे, कैसे निकालेंगे। ओके, वेक्टर वाला टॉपिक याद है, उस टर्म में कर ले सारा टॉपिक भी अगर याद हो तो, ठीक है, उसी टर्म में कर लेते हैं, तरीके बहुत हैं करने के भी, जो आपको आता हो ये कर लेंगे, हो जाएगा। देखिए मान लेते हैं कि मेरे पास एन चार्ज हैं, भी डायग्राम नहीं बनाना भी आपको, एन चार्जेस हैं भी, क्यू वन क्यू टू इस तरह से, क्यू थ्री पहले दो ही थे एंड सोन क्यू एन, हो जाएगा। इस तरह हम कर चुके हैं यूनिट नंबर 5 में, प्लस वन क्लास सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स भी एन के लिए निकाल चुके हैं आंसर्स। इसका पॉजिटिव वेक्टर क्या होगा, आर वन, इसका कितना होगा आर टू आर थ्री आर फोर आर एन भी, ये आपस में फोर्स लगाएंगे पक्का है। देखो भाई क्यू वन पे कौन लगाएगा, क्यू टू भी लगाएगा, क्यू थ्री भी लगाएगा, क्यू फोर भी लगाएगा, सभी लगाएंगे, क्यू टू पे सभी लगाएंगे। ये तरीका अपनाओगे तो बहुत बड़ा टॉपिक बन जाएगा हमारा भी। पहले इसका निकालो एन के लिए, फिर इसका निकालो एन के लिए, फिर इसका निकालो एन के लिए, भाई इससे बेस्ट है इनके बीच में कोई और चार्ज मान लेता हूँ उस पर निकालना है मेरे को, ये भी कर सकते हो, कपड़ा दिक्कत नहीं है इसमें। इसे कैसे निकालोगे, क्यू वन टू करोगे पहले तो एफ वन टू निकालोगे, फिर एफ वन थ्री निकालोगे, एफ वन एन निकालोगे, इसके लिए एफ टू वन निकालोगे, एफ टू थ्री निकालोगे, एफ टू फोर एंड सो ऑन, इस तरह हर एक का निकालोगे आप लोग, निकालना दो ही का है, ठीक है। इससे अच्छा है क्या करें, कोई और चार्ज मान लेते हैं, इस पर ही निकालना मेरे को बस, सर्विस पे, इसका नाम क्या रहते हैं जीरो चार्ज, इसको ले लेते हैं टेस्ट चार्ज भी, इस पर टेस्ट किया जा रहा है, समझ में आया कि नहीं आया। यहाँ से यहाँ तक का पोजिशन वैक्टर कितना है पहले वाले का, इसको आर वन लिया हुआ है, तो इसका कुछ ना कुछ इसका भी होगा, इसके नाम से कौन ले रहे हैं हम लोग, तो इसका आर नोट ले लेते हैं। तो आपको जीरो चार्ज पे निकालना है, कौन कौन लगा रहा होगा, फर्स्ट भी लगा रहा होगा, सेकंड भी लगा रहा होगा, थर्ड भी, फोर्थ भी, एन भी, हर एक का तो निकाल लेंगे, टोटल कितना निकालेंगे सभी का जोड़ देते हैं। ये क्या बोलता है प्रिंसिपल भाई, ये बोलता है कि टोटल चार्ज, टोटल फोर्स ऑन द टेस्ट चार्ज इज इक्वल टू सम ऑफ द इंडिविजुअल फोर्सेज, टोटल फोर्स ऑन द टेस्ट चार्ज, इस पर टेस्ट फोर्स निकालना, कैसे निकालेंगे, हर एक का निकाल लो और जोड़ दो, निकालना दो ही का पड़ेगा हर बार, तीन चार्ज है ना तो तीनों को अलग करना पड़ेगा आपको हर एक बार, और तीनों को जोड़ दो तो कितना हो गया, टोटल फोर्स हो गया मेरा, ये है सुपर पोजिशन प्रिंसिपल्स में, हर बार दो ही का निकलेगा पक्का कर लोगे, और हर एक को क्या कर दो बाद में फिर जोड़ देते हैं। जोड़ने का तरीका क्या है, इंटीग्रेशन जोड़ें या समेशन जोड़ देते हैं मर्जी आपको, जॉइंट नंबर 5 में हमने किया हुआ है सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स में, कई बार जोड़े हुए हैं पार्टिकल्स को, कर लोगे तो लिख लीजिए क्या बोलता है। इट स्टेट दैट टोटल फोर्स ऑन द टेस्ट चार्ज, टेस्ट जिस पर टेस्ट किया जा रहा है, टोटल फोर्स ऑन द टेस्ट चार्ज इज इक्वल टू द सम ऑफ द इंडिविजुअल फोर्सेज भी, द सम ऑफ द इंडिविजुअल फोर्सेज का क्या कर दें, सम कर देते हैं, हो जाएगा भी। किस पे निकालना हमको, जीरो पे निकालना, इसको एफ जीरो मान लो भी, टोटल फोर्स कितना है एफ जीरो भी, कौन कौन लगा रहा है जीरो पे भी, एफ जीरो पे वन भी लगा रहा है, याद है ये रिलेशन, जीरो पे वन लगा रहा है, जीरो पे कौन लगा रहा है टू भी लगा रहा होगा, और जीरो पे एन भी लगा रहा होगा, यस और नो। तो आपको ये इस फार्मूले का यूज़ करते हुए नेट आंसर निकालना भी, ये है आपका सुपर पोजिशन प्रिंसिपल, इट इज द सम ऑफ द इंडिविजुअल फोर्सेज, लिखो भी इसको। लेट वी हैव एन चार्जेस भी,
लेट वी हैव एन चार्जेज, कौन कौन से हैं, Q1, Q2, Q3 एंड सो ऑन, Qn. लेट वी हैव एन चार्जेज Q1, Q2, Q3 अप टू Qn. ओके, हैविंग पोजिशन वैक्टर, हैविंग पोजिशन वैक्टर R1, R2, R3 एंड सो ऑन अप टू Rn. ओके, आगे लिखिए, लेट क्यू नोट इज द टेस्ट चार्ज. ये क्या है, टेस्ट चार्ज. ये इस पर हम टेस्ट कर रहे हैं अभी. हम इंडिविजुअल भी निकाल सकते हैं हरेक का, कोई बड़ी बात नहीं है, कर लोगे. क्यू नोट क्या है, ये थोड़ा इजी रहेगा आपका अगले करना. क्यू नोट क्या है, टेस्ट चार्ज भी. इतना हो गया, हैविंग पोजिशन वैक्टर आर नोट, हैविंग पोजिशन वैक्टर आर नोट. कितना पोजिशन वैक्टर है इसका, आर नोट भी हो जाएगा भी. अब आपको निकालना है, देखो इस फार्मूले के हिसाब से सारे फार्मूले फोर्स निकालने हैं आपको. ये भी निकालना है, ये भी निकालना है, एंड सो ऑन भी. कर पाओगे, यस और नो? अगर आपको वेक्टर फॉर्म आती है तो आप ईव देखेंगे कि कैसे निकालोगे इसको. एक चीज़ और माननी पड़ेगी, लाइक एंड अनलाइक है भाई, ये तो करना पड़ेगा मेरे को. क्या मानूँ, लाइक चार्ज मान लेते हैं. लिख लीजिए, वी हैव लाइक चार्जेस. सारे क्या हैं, लाइक चार्जेस हैं. समझ में आ रहा है? हाँ, कुछ एग्जांपल ऐसे देंगे जब हम क्वेश्चन करेंगे. कुछ लाइक हैं, कुछ अनलाइक हैं भाई. कुछ अट्रैक्शन दिखाएंगे, कुछ रिपल्शन दिखाएंगे. एक प्लस का होगा, एक माइनस का होगा, सीधी सी बात ही है. यस और नो? अब इसमें कुछ माइनस भी हो सकते हैं, कुछ लाइक हों, कुछ अनलाइक हों. कुछ अट्रैक्शन दिखाएंगे, कुछ रिपल्शन दिखाएंगे. यस और नो? हम क्या मान रहे हैं सारे, लाइक. तो क्या होगा इनके बीच में, रिपल्शन होंगे. तो पहले निकाल लेते हैं F01 को भाई. लाइक के हिसाब से कितना वैल्यू आएगा, के लिख दूँ उसको. बार बार लिखने से अच्छा है केल के 1/4 एप्सिलॉन लिखने से अच्छा है. Q1 Q2 लिखूँ क्या, Q0 Q1 लिखूँ. Q0 Q1, यस और नो? नीचे क्या लिखा था, R10 का स्क्वेयर R10 यूनिट वेक्टर में. कुछ याद है कि नहीं, ये चीज़ अलग होती जाती थी लाइक में. सही है कि नहीं है? और फॉर्म लिखे तो इसी का, जो तो नहीं वैसे लिखने के, लेकिन लिख देता हूँ. F01 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि Q0 Q1 R10 की पावर 3 R10 कंप्लीट वेक्टर. हमने किया था किसके मैग्नीट्यूड से गुना किया, मैग्नीट्यूड से भाग दिया था, याद है कि नहीं है? ये क्या बन गया था, कंप्लीट वेक्टर्स. एक और फॉर्म किया था, याद हो तो आपको, F01 = K Q0 Q1. मैंने इसको लिखा था R0 - R1. कुछ याद है कि नहीं है, R0 - R1 वेक्टर. अरे याद है कि नहीं है? ये F12 था वहाँ पे. तो क्या लिखा था, R2 - R1 लिखा था इसको, यही था. चेक कर लो एक बार, गलत तो नहीं कर दिया मैंने, सही है? ये सही लिखा है. ये समझ लो क्या था, 0 - 1 कटाया, यही है ना. ये तीन फॉर्म हम कर सकते हो, वेक्टर याद है तो इसी के लिए कर सकते हैं हम लोग इसको. UGC को करेंगे बस, हो जाएगा. F01 हो गया भाई. इसी तरीके से F02 निकाल सकते हो. रब कर दें इसको. F02 का फॉर्मूला कैसे बनाएं, के Q0 Q2 R20 का स्क्वेयर R20 यूनिट वेक्टर में. सही लिखा मैंने भाई? Yes, नीचे अगर n के लिए बात करें, F0 n के लिए करूं तो, कि 0 पे n चार्ज फोर्स लगा रहा है, कितना लिखें, के Q0 Qn, यहाँ पे R n0 का पावर 2, यहाँ पे भाई R n0 यूनिट वेक्टर. क्या मैंने सही लिखा? मैंने क्या कर लिया, सभी के इंडिविजुअल फोर्सेज निकाल लिए भाई. पूरा निकालने के क्या करते हैं हम लोग, जोड़ देते हैं सभी को. जोड़े तो कितना फोर्स आएगा, राइट हो गया भाई, ये सभी का हो गया. ये था F0 भाई, याद है? पहला क्या था, F01 था, के Q0 Q1 बाई R01 स्क्वायर लिख दूँ उसको, ऐसे ही 10 था, 01 था.
वन जीरो यहाँ पे वन यूनिट वेक्टर्स वेक्टर हटा दी मैंने, मैं ऊपर से वेक्टर बिठा दिया, एक ही बात है कर लोगे। प्लस क्या हुआ, ऊपर वेक्टर क्यों नहीं रखा था मैं बोला था कि ये ऐसे ले सकते हैं उसको, हम इसको ऐसे भी ले सकते हैं बिना वेक्टर के भी, इट शो द मैग्नीट्यूड ओनली भी कर लोगे। ऊपर वेक्टर नहीं बना रखे मैंने, इसको बना लो, कोई प्रॉब्लम नहीं इस चीज़ की, कर सकते हो। शॉर्ट कर रहा हूँ थोड़ा सा, के क्यू जीरो क्यू टू बाई आर टू जीरो था स्क्वेयर आर टू जीरो यूनिट वेक्टर पे एंड सोन, कहाँ तक जाना है के जीरो क्यू एन सॉरी क्यू एन क्यू जीरो आर एन जीरो का स्क्वेयर है आर एन जीरो यूनिट वेक्टर भी, क्या मैंने ऐसे लिखा, जोड़ना आता है बाई यूजिंग समेशन है बाई यूजिंग इंटीग्रेशन सब कुछ ऐसा भी। हम मोस्टली क्या यूज़ करते हैं, समेशन यूज़ करते हैं क्योंकि दोनों फंक्शंस के लिए होता है, कॉन्टीन्यूस के लिए भी और डिसकॉन्टीन्यूस के लिए भी। कर पाओगे तो कैसे लिखते थे याद है भाई, एफ जीरो जो चेंज नहीं हो रहा उसको ऐसे लिख दीजिएगा, के सभी में के चेंज नहीं हो रहा भाई सेम लिख के हो गया। अब देखो क्यू जीरो यहाँ पर भी है, क्यू जीरो यहाँ पर भी है, क्यू जीरो यहाँ पर भी है, सभी में सेम है भाई, लिखो इसको भी क्यू जीरो वन टू थ्री फोर फाइव चेंज हो रहा है भाई, सेकंड वाला चेंज हो रहा है, कहाँ से कहाँ तक चेंज हो रहा है, वन से लेके एन तक जा रहा है तो चेंज होगा, उसको आई लिखते हैं आई जे के की टर्म में, याद है कि नहीं है, डिवाइड बाई। अब ये नीचे वाला है इसके सबसे चेंज हो रहा है सारा, यहाँ पे जीरो वन, यहाँ पे जीरो वन है भाई या वन जीरो जो भी है कर लोगे। यहाँ पे ये वन हो रहा है, यहाँ पे टू है, यहाँ पे थ्री होगा, यहाँ पे एन होगा, बदल रहा है तो आर आई लिख सकता हूँ, जीरो सभी में है सही लिखा है, स्क्वेयर कर दूँ वेक्टर डाल दो, वेक्टर डाल दूँ हम क्या डालनी पड़ेगी, ब्रैकेट डालनी पड़ेगी मॉडुलस वाली कर लोगे। दूसरा भाई ये इसके हिसाब से आर आई जीरो यूनिट वेक्टर्स, क्या मैंने सही लिखा आई फ्रॉम वन टू एन, दिस इज आंसर, इट इज फॉर एन चार्जेस भी ओके। इसी को दो सेकंड फॉर्म क्या ले सकता हूँ उसका, इन पावर थ्री वाली कैसे लिखें, इसी को रब करते ऊपर वाला एफ जीरो इज इक्वल टू समेशन आई फ्रॉम वन टू एन के क्यू जीरो क्यू आई डिवाइड बाई आर आई जीरो का पावर थ्री आर आई जीरो कंप्लीट वेक्टर, क्या किया था आर आई जीरो के मैग्नीट्यूड से गुणा किया, आर आई जीरो से भाग दिया इसको, ये फॉर्म सेम तरीका सेम रहेगा सभी के लिए कर लोगे। इसको इन टर्म ऑफ पोजिशन वेक्टर लिखना हो तो एफ जीरो इज इक्वल टू समेशन आई फ्रॉम वन टू एन के क्यू जीरो क्यू आई, कुछ याद है इसको आर जीरो माइनस आर आई का पावर थ्री कर सकता हूँ, ये वन टू लिखा था आर टू माइनस आर वन लिखा था हम लोगों ने, यस आर नो, इसको आर वन जीरो किया था आर जीरो माइनस आर वन किया था इसको मैंने, इसमें से एक हटाना है यहाँ पे भाई आर जीरो वैक्टर माइनस आर आई वैक्टर्स इन टर्म ऑफ कंप्लीट पोजिशन वैक्टर, अगर आपको पहला टॉपिक आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें, हो जाएगा भाई, दिस इज द सुपर पोजिशन प्रिंसिपल, एनी प्रॉब्लम भाई, तो इसके हेल्प से आप किसी भी एन चार्ज के लिए आंसर निकाल सकते हो। कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, देखो अब तक हम क्या करते हैं, चार्ज पॉइंट चार्ज लेते हैं, एक चार्ज ये रहा एक चार्ज ये रहा, क्या पॉसिबल है ये सब चार्ज इकट्ठा करना अलग अलग जगह से, पॉसिबल नहीं, हम तो चार्ज बॉडी यूज़ करते हैं भाई, यस आर नो, हम पॉइंट चार्ज यूज़ नहीं करते, हमारे पास तो चार्ज पूरा चौक होगा चार्ज भाई, पॉइंट चार्ज थोड़ी है इट एन चार्ज चार्ज बॉडी है मेरे पास भी, यस आर नो, तो चार्ज बॉडी किस तरह बिहेव करेगी भी, कैसे फोर्स लगाएगी आपस में भी वो बताना आपको। अब क्वेश्चन है चार्ज बॉडी बनी कैसे भाई, तरीका था रब करें या चार्ज बाय इंडक्शन फ्राइंस को, याद है कि नहीं है, प्रॉब्लम ये नहीं है भाई, प्रॉब्लम ये है जब इसको मैंने चार्ज दिया कहीं बाहर से भी और चार्ज गया काम पर, वो इनसाइड है आउटसाइड है इकट्ठा हुआ है फैला हुआ है कैसे है, ये पानी की बाल्टी है भी ग्लास,
एक ग्लास पानी लो, बाल्टी में डाल दो, आप क्या ऑब्जर्व करते हो कि पानी का ढेर बन जाता है, है ना? हाँ, भरन लग रहे हैं। क्या ऑब्जर्व करते हो? पानी पूरे इक्वल अमाउंट में फैल जाता है पूरी बाल्टी में। यस और नो? जो फॉलो करेगा वो पानी, जो फॉलो करेगा वो चार्ज, एक दिशा कम होगा। समझ में आया? अगर इस बॉडी को चार्ज दूंगा, ऐसा नहीं चार्ज यहाँ पे इकट्ठा हो जाएगा, इट्स स्प्रेड ऑल ओवर द बॉडीज इन इक्वल अमाउंट्स में। इसको बोलते हैं कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। समझ में आया? अगर किसी चार्ज बॉडी को, किसी बॉडी को चार्ज दिया जाए, वो चार्ज पूरी बॉडी पे फैल जाएगा इक्वल अमाउंट्स के अंदर भी। उसको क्या बोलते हैं हम लोग? कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। समझ में आया कि नहीं आया? वो किसी एक जगह पर इकट्ठा नहीं होगा भाई, ऐसा नहीं बट ढेर बंद बना दे पानी का हम लोग वहाँ पे, ऐसा वो एक क्या होगा, पूरी बाल्टी में फैल जाएगा, उसका लेवल बढ़ जाएगा बाल्टी का। यस आर नो? हर लेवल क्या होगा, हर जगह से इक्वल बढ़ेगा भाई। यस आर नो? तो लिख लीजिए, लिख लीजिए, व्हेन वी गिव चार्ज टू द बॉडी, व्हेन वी गिव चार्ज टू द बॉडी, देन इट स्प्रेड इन इक्वल अमाउंट ऑन द बॉडी। अभी पहला पॉइंट डाल लीजिएगा, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए अभी कोई वायर है, स्टेट भी हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है इसकी, कैसे हो सकती है, हम तो इरेगुलर शेप बना रहा हूँ, कोई भी शेप यूज कर सकते हैं इसकी जगह पे, आप लोग कर लोगे। लेंथ एल मान लेते हैं, हो जाएगा भाई, चार्ज दिया मैंने इसको प्लस क्यू चार्ज भी, तो क्या होगा? ये टॉपिक बोलता क्या है, चार्ज एक जगह पर नहीं रहेगा भाई, वो पूरी बॉडी फैल जाएगा इन इक्वल अमाउंट्स के अंदर, तो हर एक पूरी बॉडी पर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। यस आर नो? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब इसके नज़दीक मैंने एक चार्ज रखा हुआ है भाई, टेस्ट चार्ज क्यू नॉट, डिस्टेंस कितना यूज़ कर लेता हूँ आर। क्वेश्चन ये है भाई, इस टेस्ट चार्ज पे कितना फोर्स लगा रहा है ये चार्ज, चार्ज पूरी बॉडी में। अब हम फोर्स किसके बीच में निकालना चाहते हैं, चार्ज और बॉडी के बीच में, न कि दो चार्जों के बीच में। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? जरूरी थोड़ी हमारे पास चार्ज पॉइंट चार्ज ही हो भाई, पूरी बॉडी भी तो हो सकते हैं, तो कैसे निकालोगे? अरे यही होता हर बार, पूरी बॉडी होती है, हो जाएगा। तो ये टॉपिक अभी हमारा, कर लोगे? तो डायग्राम एक बना लीजिए, इसके बाद लिखवाते हैं इसको, हो गया। सिंपल सा डायग्राम है, और सिंपल सा टॉपिक करेंगे, अब कोड़ा घुमा रखा है बिना बात पे इस टॉपिक को। अगर आपको बेसिक आते हैं इस टॉपिक के, फोर्स क्या है भाई, या वेक्टर फॉर्म क्या है उसका, कैसे काम करता है दो चार्ज के बीच का फोर्स, बस हो गया टॉपिक कंप्लीट। ये लास्ट टॉपिक है, फोर्स पूरा हो जाएगा, ठीक है? तो लिखिए अभी, लिखिए, वी हैव ए चार्ज्ड वायर ऑफ लेंथ एल, वी हैव ए चार्ज्ड वायर ऑफ लेंथ एल हैविंग प्लस क्यू चार्ज भी, हैविंग प्लस क्यू चार्ज, पूरे पे कितना चार्ज है, प्लस क्यू। यस और नो? अब प्रॉब्लम ये है भाई, ये पॉइंट यहाँ पे है और मैंने डिस्टेंस यहाँ का यूज किया हुआ है, यहाँ पे हो सकता है डिस्टेंस, तो यहाँ पे हो सकता है डिस्टेंस, तो हर बार डिस्टेंस चेंज हो सकता है भाई। जिसमें क्या लिया, मैं सिंपल बोर्ड ले सकता था ऐसे स्ट्रेट वाली, तो डिस्टेंस प्रॉब्लम नहीं होती डिस्टेंस की, ये किसी भी शेप के लिए हो सकता है आंसर जो हम कर रहे हैं, कर लोगे। क्वेश्चन ये है भाई, यहाँ पर चार्ज कितना है, हमने तो बोला कि इक्वल अमाउंट में फैलेगा, कितना भाई, क्या क्यों रहेगा हर जगह पे? मेरे पास 100 रुपये हैं, मैंने इक्वल अमाउंट बच्चों में बांट दिए, क्या हर बच्चे को 100 रुपये मिलेगा? नहीं मिले भाई, तो निकालना तो पड़ेगा कितने मिले हर एक को। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ आपको? इस रूम में 100 रुपये बांटने, मेरे को जरूरी थोड़ी हर एक को 100 मिलेंगे, इक्वल अमाउंट बांटने भाई, तो 100 तो बढ़ रहे हैं, चार तो क्यों था, 100 रुपये ही तो ये हैं, बढ़ गया सारे में, कितना बटा हो तो निकालना पड़ेगा।
उसको निकालने के लिए क्या बना रखा है, टॉपिक बना रखा है, इट इज कॉल्ड डेंसिटी। इसी में लिखिएगा, यहाँ से इसके तुरंत बाद लिखिएगा, लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होता है। लीनियर चार्ज डेंसिटी इसको लैम्डा से लिखते हैं, लीनियर चार्ज डेंसिटी। देखो जहां पे भी आपको निकालना है उस पॉइंट को छोटा सा एलिमेंट मान लो, एलिमेंट समझते हो, टुकड़ा कर लीजिए उसका, एक टुकड़ा बना लो, कुछ तो होगा उसका चार्ज। कितना लेंथ का टुकड़ा कर लेता हूँ, डीएल लेंथ का, यस आर नो। और चार्ज कितना माना था इसके ऊपर, डी क्यू, डी को तो निकालना मेरे को, यस आर नो। स्मॉल एलिमेंट स्मॉल चार्ज, इस तरह के पूरी लेंथ के क्या करने हैं, टुकड़े करने हैं, डीएल डीएल डीएल। तो हरे पे चार्ज कितना होगा, डी क्यू होगा भाई, मैं बोल रखा है इक्वल अमाउंट पे पहले का। आपको 100 रुपये दिए गए, आपको एक्स रुपये मिले तो एक्स ही तो निकालना है, हरे को कितना मिला, एक्स ही तो मिला है, निकालो वट इज एक्स, निकाल लेंगे बड़ी बात के, कर लोगे। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होता है, लिख लीजिए, इट इज़ द रेशो ऑफ चार्ज पर यूनिट लेंथ। सिंपल लिखिए, इट इज चार्ज पर यूनिट लेंथ, रेशो लिख दो कोई दिक्कत नहीं है। इट इज़ द रेशो ऑफ चार्ज पर यूनिट लेंथ, चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो लैम्डा क्या होगा भाई, कितना चार्ज कितनी लेंथ पे आया हुआ, डीएल था ना, कितना चार्ज कितना लेंथ पे, उसको क्या बोलते हैं, लीनियर चार्ज डेंसिटी। क्या आप यहाँ से डी क्यू निकाल सकते हो, डी क्यू कितना आएगा, लैम्डा डीएल, आपको लैम्डा दिया जाएगा। लैम्डा क्या पता आपको, लैम्डा एक कैपेसिटी है भाई, ये चार्ज बॉडी है, अभी कोई बॉडी इसको चार्ज दे रहा हूँ लगातार, एक लिमिट तक चार्ज दे सकती है, उसके बाद चार्ज क्या हो जाएगा, लीकेज कर देगा। बाल्टी देखी आप लोगों ने पानी की, अब बाल्टी में पानी डालना है भाई, एक लिमिट है भाई, उसके बाद पानी क्या करेगा, ओवरफ्लो करेगा भाई, उसके बाद ले नहीं सकता बाल्टी पानी, यस आर नो। तो जो लिमिट नहीं है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, लैम्डा बोलते हैं, हो जाएगा। तो क्या आप इनके बीच में फोर्स निकाल सकते हो भाई, कितना फोर्स आएगा, स्मॉल एलिमेंट है तो फोर्स भी स्मॉल रहेगा, डी एफ मान लें, डी एफ क्या है, इज द स्मॉल फोर्स ड्यू टू, किसकी वजह से हो रहा है ये, डी एल बाई डी क्यू लिख दूं, चार्ज है ना, ड्यू टू डी क्यू, कितना वैल्यू होगा डी एफ का भाई, 1/4 πε0। एक चार्ज क्यू नोट है, एक चार्ज कितना है, डी क्यू है, डिवाइड बाई डिस्टेंस कितना है, आर स्क्वेयर। वेक्टर लिखना तो वेक्टर लिख दो भाई, साथ में क्या बना दो, यूनिट वेक्टर, क्या दिक्कत रहेगी, डैश मिल जाएगी वहाँ से, कुछ ना कुछ तो मिलेगी, लाइक अनलाइक देख लेंगे किस हिसाब से रिएक्शन आएगी। ओके समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, नीज मत बनाओ, क्या दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम नहीं इस बात की, उनको हो जाएगा भाई। पुटिंग द वैल्यू ऑफ डी क्यू इक्वल टू 1/4 πε0 क्यू नोट लैम्डा डी क्यू डी एल आर स्क्वेयर आर यूनिट वेक्टर, फोर्स वेक्टर बना लें, कर लोगे। अब ये तो था किसके लिए भाई, स्मॉल के लिए, पूरा के लिए निकालें तो टोटल कितना होगा, एफ क्या करते हैं, इंटीग्रेशन कर लेते हैं, अब की बार क्या प्रॉब्लम है, दोनों यूज करके देख लेते हैं, समेशन भी इंटीग्रेशन भी, क्या कोई प्रॉब्लम नहीं इस बात से हमको, यस आर नो। दोनों ही किसके लिए होते हैं, जोड़ने के लिए होते हैं भाई, कितना आंसर होगा, इंटीग्रेशन 1/4 πε0 क्यू नोट लैम्डा डी एल बाई आर स्क्वेयर आर यूनिट वेक्टर भी हो जाएगा, यस आर नो। अब इसमें खासियत यह है, इस इंटीग्रेशन का नाम है भाई, हेल्प करते हैं इसको, एफ इज इक्वल टू कितना आएगा, 1/4 πε0 कांस्टेंट है भाई, चार्ज कांस्टेंट है क्यू नोट हर एक के लिए, डिस्टेंस कांस्टेंट है भाई इसके लिए तो है आर स्क्वेयर, कर लोगे। डायरेक्शन कांस्टेंट है, लाइक हालांकि कुछ तो मिलेंगे, यस आर नो। बच गया कौन, डी एल, डी एल क्या है, स्मॉल एलिमेंट है भाई, लैम्डा भी कांस्टेंट है,
यस सर नो, एक बॉडी कितना लेगी चार्ज फिक्स है उसकी वैल्यू भाई, हो जाएगा, कर पाओगे? अब डीएल क्या है, डीएल स्मॉल एलिमेंट, पूरे निकल तो क्या डीएल 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 जोड़ देता हूँ, पूरी वायर बन जाएगी भाई। इसको बोलते हैं एल, एल लिखते हैं लाइन इंटीग्रेशन से, लिखिए एल फॉर लाइन इंटीग्रेशन। अभी एल क्या है, आपको दिया जाएगा कि मेरे पास एक वायर है 5 मीटर का, कह दिया आपको डायरेक्ट लेंथ दे दिया भाई, इसको जोड़ोगे तो क्या बनेगा 5 मीटर बनेगा भाई। तो इसका पूरा आंसर कितना दे दिया आपको, पहले दे दिया 5 मीटर है भाई, सिंपल हो गया क्वेश्चन बिल्कुल। यस बेस, नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब की बार हम चार्ज इसको देंगे, सरफेस को देंगे, कोई भी सरफेस हो सकता है, किसी भी शेप का भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सरफेस एरिया कुछ तो होगा, एस मान लो, एरिया एस हो जाएगा। इसको चार्ज दिया प्लस क्यू, तो चार्ज इक्वल अमाउंट पे पूरे सरफेस पे फैल जाएगा। यस सर नो, और हमने यहाँ पे रख दिया चार्ज, टेस्ट चार्ज भी, इस पे हमको चेक करना है इसकी पूरी वजह से इस पे कितना फोर्स होगा। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक आपको डिस्टेंस ले लेते हैं, इट इज आर, और ये मान लेते हैं स्मॉल एलिमेंट भाई, इसको डी एस मान लो, चार्ज कितना आएगा इसके ऊपर, स्मॉल चार्ज डी क्यू निकालना पड़ेगा, सेम तरीका होगा। आपको ये बोलना चाहता है, अगर आपको किसी चार्ज बॉडी का निकालना है, एक तरीका है, उसको स्मॉल पार्ट में डिवाइड कर दीजिए, स्मॉल पार्ट का निकाल लो और बॉडी का कर दो इंटीग्रेशन, समझ में आ रहा है? डायग्राम नहीं तो बड़ी टॉपिक नहीं है, सिंपल सिंपल टॉपिक है। Q naught dQ by r square into r,
ओके रबर करते इसको F इज इक्वल K कांस्टेंट कौन सा इंटीग्रल यूज करना आपको सरफेस इंटीग्रल S फॉर सरफेस कर लोगे K Q नॉट कांस्टेंट है डिस्टेंस कांस्टेंट है मिडवेक्टर वैसे कांस्टेंट होता है वैल्यू की टर्म में कर लोगे यहां पे क्या लिखोगे dq किसके हिसाब से सरफेस dq ये गलत कर दिया हमने यहां पे ds आएगा अभी गलत सो रहे हो क्या ds हैं नींद ना मार रहे हो सिग्मा सिग्मा अरे हमने कब यूज नहीं किया था तुमने सर तुम काम गए हो ये हैं नहीं थे यहां पे क्या आएगा सिग्मा ds सही है क्या सर ना यस सर सिग्मा क्यों बाहर निकालो क्या कर रहे सिग्मा समझ नहीं आया सही है न्यूक्लियम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अब ये डस्टर है इसको चार्ज दे दिया गया कुछ चार्ज अंदर हो सकता है कुछ बाहर हो सकता है ये क्या है पूरी बॉडी है इट इज कॉल्ड 3D बॉडी बोल सकते हो इसको बॉडी मॉडल करते हैं कर लोगे पेज आपका पेज किस पे रहेगा सरफेस पे रहेगा पेज क्या सरफेस है वायर ले लो लेंथ पे रहेगा वायर वैसे क्या होता है वॉल्यूम भी होता है वायर का लेकिन आप पतली सी वायर यूज कर सकते हो जस्ट लीनियर बॉडी कर पाओगे देखिए वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कुछ भी वॉल्यूम हो सकता है किसी भी शेप का इसको वॉल्यूम वी मान लो यस और नो ये कौन सा है वॉल्यूम वी चार्ज दिया प्लस क्यू पूरे पे चार्ज फैल गया इक्वल अमाउंट पे यस और नो अगर इसका स्मॉल एलिमेंट काटूं तो क्या बनेगा वॉल्यूम ही बनेगा तो वॉल्यूम बना लेते हैं स्मॉल एलिमेंट का वॉल्यूम हम के साथ वॉल्यूम का इस्तेमाल बी कर लोगे और यहाँ पे कितना चार्ज है इसके ऊपर dq यहाँ पे तो पॉइंट चार्ज रख दिया टेस्ट चार्ज q नोट डिस्टेंस कितना है सेम तरीका भाई कोई दिक्कत नहीं है कर लोगे बनाके डालो हो गया भाई देख लीजिए वी हैव ए बॉडी ऑफ वॉल्यूम वी हैव ए बॉडी ऑफ वॉल्यूम वी हैविंग प्लस क्यू चार्ज हैविंग प्लस क्यू चार्ज अब ये प्लस क्यू चार्ज है पूरी बॉडी फैला हुआ है बहुत अभी यहाँ पे इक्वल अमाउंट में फैल गया ये चार्ज ऑफ प्रॉपर्टी भी है कर लोगे आगे लिखिए लेट डीवी इज द स्मॉल एलिमेंट डीवी इज द स्मॉल एलिमेंट हैविंग चार्ज डीक्यू डीवी इज द स्मॉल एलिमेंट हैविंग चार्ज डीक्यू एंड क्यू नोट क्या है एंड क्यू नोट इज द टेस्ट चार्ज क्यू नोट इज द टेस्ट चार्ज समझ में आ रहा है अब आपको निकालना है इस पे फोर्स भी फोर्स भी स्मॉल हो सकता है डीएफ इज द स्मॉल फोर्स ड्यू टू इसकी वजह से भाई डी क्यू स्मॉल चार्ज की वजह से तो डीएफ का वैल्यू कितना होगा एक मिनट इससे पहले तो फोर्स निकालना पड़ेगा इससे पहले निकाल लो एड लिख दो वॉल्यूम चार्ज है इसकी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी बताने के लिए कितना चार्ज है इसको रो से लिखते हो सिंबलिक फॉर्म रो सिंबल यूज किया इसके लिए डेंसिटी के लिए यस और नो तो क्या होता है रिलेशन से हो देख लीजिए इट इज रेशियो ऑफ चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम इट इज द रेशियो ऑफ चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम
रो को दिखाते हैं कितना चार्ज कितने वॉल्यूम पे आया हुआ है डीवी डी क्यू बाई डीवी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डी क्यू रो डीवी चार्ज डिस्ट्रीब्यूट ऑन द गिवन वॉल्यूम यस और नो तो अब निकालते हैं फोर्स पे डीएफ का वैल्यू कितना होगा के क्यू नॉट डी क्यू बाई आर स्क्वायर अगर वेक्टर है तो यूनिट वेक्टर सही है पूरा फोर्स एफ इज इक्वल इंटीग्रेशन डीएफ इंटीग्रेशन के क्यू नॉट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डी क्यू रो डीवी बाई आर स्क्वायर आर यूनिट वेक्टर कौन सा इंटीग्रेशन यूज करेंगे हम लोग वॉल्यूम इंटीग्रेशन यहाँ पे आपके लिए अलग हो रहा है मैथमेटिक्स वाइज यूज नहीं करते हम यूज करते हैं सेप पता हमको जब पूरा करोगे सेप ही बनना है जो स्ट्रेट लाइन बने जो सरफेस बने चाहे वॉल्यूम बने यस और नो एफ इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट को बाहर निकाल दो के क्यू नॉट रो बाई आर स्क्वायर आर यूनिट वेक्टर इंटीग्रेशन डीवी वॉल्यूम इंटीग्रेशन अब वही होगा भाई आपको कुछ वॉल्यूम दिया होगा तो चार्ज दिया होगा फोर्स भी करोगे कर पाओगे यस और नो टॉपिक कंप्लीट दिस इज कॉल्ड कंटीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन फिर पढ़ने कर ली है ओके समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है